Now we are going to start our new lesson. This is same as the previous one, more about singular and plural nouns. More mean आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसी के बारे में. किसके बारे में? Singular and plural nouns. Single हो जैसे book, ज़्यादा होंगी तो books. One होगी pencil, ज़्यादा होंगी तो pencils. Pencils क्या है? Plural. Some nouns are always treated as plural, जैसे कि cattle, police. ये हमेशा क्या होते हैं? They are always treated as plural. Cattle and police. The noun clothes ये plural है. अगर ज़्यादा police होंगे तो तब भी police कहेंगे, अगर ज़्यादा cattle होंगे तो तब भी उनको मवेशियों को cattle कहेंगे. तो ये plural के लिए यूज़ होता है. जब ज़्यादा animals होते हैं उसके लिए यूज़ होता है. The noun clothes, dress. The plural of clothes is clothes. आप देखें, the noun clothes जो है वो dress, the plural of clothes is clothes. Dress का जो plural है वो clothes है, has no singular form, और इसकी कोई singular form नहीं होती. चाहे कपड़ों, ये आप कपड़े पहन रहे हैं उसके लिए clothes ही use करेंगे, whether they are एक dress है या फिर वो plural dress है, यानी ज़्यादा dresses हैं तब भी clothes ही कहेंगे. Some nouns are always used in the plural, for they are the names of things that are made up of two parts that are joined together. और कुछ हमेशा plural में use होते हैं, जैसे कि वो दो parts के साथ बने हुए होते हैं. जैसे shorts. Shorts कौन सी होती हैं? जिसको कहते हैं निकर. तो ये देखें, दो हैं इसके अंदर shorts, तो इसको क्या कहेंगे? Shorts. यानी जो निकर use करते हैं उसको shorts कहते हैं, कभी भी short नहीं कहते. इसी तरह जो trouser होता है, यानी जो पैंट होती है, उसके भी दो ये पार्ट्स होते हैं, एक और दो, तो इसको भी ट्राउज़र्स बोलते हैं, ट्राउज़र नहीं बोलते. ट्राउज़र्स हमेशा, चाहे वो एक पैंट है या चाहे वो दो पैंटें हैं या तीन पैंटें हैं या चार पैंटें हैं, सारों को क्या कहेंगे? ट्राउज़र्स. दीज आर थ्री ट्राउज़र्स, और अगर एक होगा तब भी ट्राउज़र्स ही कहेंगे. क्या कहेंगे? ट्राउज़र. अगर थ्री होंगे तब भी ट्राउज़र, एक है तो तब भी ट्राउज़र. ट्राउजर्स. ओके, फिर है पजामास. पजामास भी आपको पता है कि वो भी इसी तरह के ही होते हैं, पजामास, तो इसको भी पजामास ही कहते हैं. ग्लासेस, जैसे आप ग्लासेस है वो भी दो के साथ बना होता है, तो इसको ग्लासेस कहते हैं. जीन्स, वो भी जीन्स इसी तरह हो गया. बाइनोकुलर्स और सीजर्स. सीजर्स भी आपको पता है कि सीजर्स जो है वो, उसके भी तकरीबन ऐसे दो होते हैं बीच में, तो कटिंग करने के काम आती है, तो इसको सीजर्स कहते हैं. सीजर नहीं कहते कि एक है तो तब सीजर कहेंगे, ज़्यादा है या एक है, सारों को क्या कहेंगे? सीजर्स. ग्लासेस एंड ट्राउज़र्स एंड पजामास एंड पैंट्स, यू नो, इसी तरह एस लगाएंगे, ये सारे प्लूरल यूज़ होंगे. जीन्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टेकल्स देखें, ये जो ग्लासेस होती हैं ना, ग्लासेस के लिए दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं. स्पेक्टेकल्स भी कह सकते हैं, चश्मा जिसको कहते हैं, चश्मा या ऐनक. ओके, तो इसको स्पेक्टेकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? SPEC स्पेक, टेकल्स, CLES स्पेक्टेकल्स. क्या कहते हैं? स्पेक्टेकल्स. तो ये क्या है? ग्लासेस, यानी स्पेक्टेकल्स भी कह सकते हैं और ग्लासेस भी कह सकते हैं. अंडरस्टूड? Now come to the next point. Glasses, binoculars, scissors, pants, spectacles. The plural forms of some nouns sometimes have meanings different from those of their singular forms. कई दफ़ा उनके meanings different होते हैं. देखें, arm है, a limb of the body. Arm, a limb of the body. जैसे कि ये arm है, इसको limb of the बॉडी कहेंगे. इसी तरह आर्म्स, ये वाला जो आर्म्स है ये वेपन्स के लिए यूज़ होता है. किसके लिए यूज़ होता है? वेपन्स के लिए. अब ये इसका कोई प्लूरल नहीं है, इसके मीनिंग्स डिफरेंट हैं और इस आर्म के मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. ये आर्म्स वेपन्स के लिए, या औजार, ये क्या नाम है जो आप यूज़ करते हैं ना जंगों में, जो साज क्या उसको कहते हैं, जो औजार यूज़ होते हैं उसके लिए वेपन्स यूज़ किया जाता है. क्या यूज़ किया जाता है? Weapons. Okay, W-E-A-P-O-N-S, weapons. These are arms. These are आर्म्स एंड दिस इज आर्म, दिस इज द लिम्ब ऑफ द बॉडी, ये एक पार्ट है बॉडी का और ये आर्म्स जो है ये वेपन के लिए यूज़ होता है। तो ये याद रखिएगा जहाँ पे आर्म आएगा उसका आर्म्स का मतलब वेपन्स होगा। क्या होगा? वेपन्स। इसका मतलब बाजू नहीं है, वेपन्स है। ये जो आर्म है इसका मतलब बाजू है। क्या है? बाजू। अब दूसरा आ गया मैनर, MANNER, मैनर। अब ये किस तरह डिफरेंट हो गया? द वे समथिंग इज़ डन हैपन्स, द वे समथिंग इज़ डन। आप कहते हो कि योर मैनर्स आर गुड। मैनर्स जो है वो ये वाला है, मैनर्स ये बिहेवियर्स के लिए होता है। एस जिसके साथ लगता है वो बिहेवियर के लिए होता है। और एक मैनर वो होता है द वे समथिंग इज़ डन और हैपन्स। जैसे कि हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैनर ऑफ डूइंग दिस, व्हाट इज़ द मैनर ऑफ वॉशिंग हैंड्स। तो उसमें वो तरीक़ाकार को जिस तरीके से वो हो रहा होता है उसको मैनर कहते हैं। और ये जो मैनर्स होते हैं ये आपके बिहेवियर्स को कहते हैं। यानी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हम कहते हैं ही इज़ अ मैनरेबल पर्सन, हिज मैनर्स आर वेरी गुड। मीन्स ये कि वो अच्छा बिहेव करता है, उसमें मैनर्स यूज़ करते हैं। और अगर आप कहते हो इसका मैनर क्या है तो इसका मतलब है आप पूछ रहे हो कि इसका तरीक़ाकार क्या है। अंडरस्टूड? मैनर एंड मैनर्स बोथ आर डिफरेंट। मैनर्स इज़ फॉर बिहेवियर, मैनर्स इज़ फॉर बिहेवियर, हाउ यू बिहेव, एंड दिस मैनर इज़ हाउ यू डू समथिंग, हाउ यू डू समथिंग। देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस हेयर, it ends with R and here it ends with S. Understood? Now come to the point, green and greens. Now people say कि ये color green है, like look at this, this pencil is green. लेकिन अगर हम कहेंगे greens, वो बहुत greens खाता है। Greens का मतलब यहाँ पे vegetables है, यानी he is a vegetarian, he eats more vegetables than any other thing. हम क्या कहते हैं? ही ईट्स ग्रीन्स, ही ईट्स ग्रीन्स। इट मीन्स ही इज़ अ वेजिटेरियन एंड ही ईट्स वेजिटेबल्स एंड दिस इज़ द कलर ऑफ द पेंसिल, लाइक दिस पेंसिल इज़ अ ग्रीन पेंसिल। दिस इज़ सब्ज़े के लिए यूज़ होता है, जो सब्ज़ तरकारी वो होती हैं सब्ज़ियाँ उसके लिए यूज़ होता है। न्यू, अब एक लफ्ज़ आ गया NEW, न्यू, और एक आ गया न्यूज़। ये तो आपको कम्प्लीटली पता है कि जो न्यूज़ चल रही होती हैं टीवी के ऊपर उसको न्यूज़ कहते हैं, और जो न्यू थिंग होती है उसको आप कहते हैं न्यू। आई हैव बॉट अ न्यू पेन, आई हैव बॉट अ न्यू पेंसिल। न्यू पेंसिल जो नई पेंसिल होती है उसके लिए न्यू, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके साथ सिर्फ एस लगता है और ये इसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। अब देखें न्यूज़ एंड न्यू। न्यू समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, जो पहले नहीं थी अब नई ले ली आपने, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, EXIST, यानी आज आप बाज़ार से लेकर आए हैं, पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको कहते हैं न्यू थिंग। और जो आप न्यूज़ सुनते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, अखबारों के ऊपर, न्यूली रिसीव्ड और नोट वर्दी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। Though the names of certain diseases, subjects of study or sports have a plural form, they are treated as singular. कुछ diseases हैं जो इनको study किया जाता है और sports have a plural form, उनकी plural form है लेकिन उनको हम single treat करते हैं, जैसे कि mathematics, physics, measles, mumps, diabetes, economics, economics एक subject है, cards, darts और billiards। Billiards इज़ अ गेम। इन सब के लिए जैसे आप मैथ का एक सब्जेक्ट है, आप मैथ्स कहते हैं या मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि एस ज़रूर इसके अंदर आएगा, हालांकि किताब एक ही होगी कि ये किताब मैथमेटिक्स की है, तो आप इसको मैथमेटिक नहीं कहेंगे, मैथमेटिक्स। Rather there are 3 books, 1 book or 4 books. All the books will be called as mathematics. What they will be called as? एस मैथमेटिक्स। और मीज़ल्स जो है वो एक बीमारी का नाम है, उसको भी मीज़ल्स ही कहेंगे। फिज़िक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, फिज़िक्स नहीं कहेंगे, फिज़िक्स कहेंगे, एस लगाएंगे। इसी तरह इकनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इकनॉमिक्स। कार्ड्स एस लगाएंगे। इसी तरह बिलियर्ड्स, ये भी एक गेम है, उसके साथ बिलियर्ड नहीं बिलियर्ड्स कहेंगे, चाहे वो सिंगल है या फिर दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर बट दे आर plural forms. Countable and uncountable nouns. In the case of some nouns, we can clearly mention how many of the same kind of thing or person we are talking about. हमें पता होता है, क्लियरली पता होता है, वी कैन क्लियरली मेंशन कर सकते हैं या बता सकते हैं हाउ मैनी ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। 2 men, अब ये तो आपको पता चल गया, 2 men 2 आदमी, 30 sheep 5000 rupees। तो ये नंबर्स यूज़ होते हैं बताने के लिए कि कितने हैं, तो इसको काउंट कर सकते हैं, काउंट करके नंबर्स बताते हैं। सच नाउन्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, जिसको हम काउंट कर सकें। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड दे आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 rupees, 20 rupees, ये काउंट हो सकते हैं और इसको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। और आगे क्या है, बट देयर आर सम कॉमन नाउन्स विच आर द नेम्स ऑफ थिंग्स और पर्सन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर है, आप 1 वाटर या 2 वाटर तो नहीं कहते, 1 kg ऑफ वाटर और 2 kg ऑफ वाटर। मिल्क है, 1 kg ऑफ मिल्क। वेदर को भी काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ साथ बता सकते हो हाउ इज़ द वेदर टुडे, टुडे इज़ क्लाउडी वेदर, टुडे इज़ सनी वेदर, टुडे इज़ रेनी वेदर। म्यूज़िक भी आप कह सकते हो, दिस इज़ स्वीट म्यूज़िक, दिस इज़ गुड म्यूज़िक, दिस इज़ प्लेजेंट म्यूज़िक। यूथ भी आप काउंट नहीं कर सकते कि आप 1 यूथ हो, 2 यूथ हो। आप कह सकते हो कि यूथ। वी कैन नॉट से आई वॉन्ट 1 water और लेट मी हैव 2 milk। ये बात है ना, मैं अभी आपको बता रही थी। सच नाउन्स आर नोन एज लेट मी हैव 2 milk। आप क्या कहते हो, लेट मी हैव अ कप ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ मिल्क। अब इसके अंदर काउंट करने का तरीका, कप हो सकता है, 1 kg ऑफ मिल्क हो सकता है, 2 kg ऑफ मिल्क हो सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट, लेट मी हैव 2 milk नहीं हो सकता। सच नाउन्स आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है, वाटर है, इसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल nouns. Understood? Such nouns are known as uncountable nouns. Note the difference between a common noun that has the same form for the both singular and the plural and an uncountable noun. Now we will start the new lecture after the completion of this.